Assalamu alaikum everyone. So these behind the scene moments and the glimpses of few of my interviews are just to show you all how believing in yourself can do wonders. I couldn't achieve anything until I believed I am worthwhile. All I did to believe in myself was to learn, evaluate, implement, be consistent and maintain balance between work and leisure. Just keep asking yourself the purpose of your existence and do not hesitate to believe in yourself before you start doing something. Self-confidence, balance and optimism will surely take you places. And if you think you cannot be the master, at least you could try to become the jack of all trades and master of none. Media, एक मेरा एक और business, small business है. What basically abbreviation है we are together का. तब मैं individually start किया था, मैंने बिल्कुल random सा idea था अपने friends और colleagues वगैरह को मेरे combine करके, तो एक वर्चुअल सी टीम बना ली थी. फर्स्ट टाइम 6,000 रुपीज़ हमारे हुए थे और हम लोगों ने जो बेगर्स वगैरह होते हैं स्ट्रीट पे उनको कुछ एसेंशियल्स प्रोवाइड कर ट्रिगर करती थी कि व्हाट एम आई हियर फॉर. मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, हमारे पास 50,000 का टारगेट था जिसमें कुछ चंद फैमिलीज थी, आई थिंक 10 to 15 फैमिलीज थी सिर्फ. और अब माशाल्लाह इस रमज़ान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं 175 प्लस. हमने एक चीज़ देखी जो मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इसकी वीडियो बनाओ. घर जाके रैंडमली वीडियो बनाई, कुछ एडिट नहीं किया. अगले दिन आई, इनको सुनाई, इनको अच्छी लगी, ब्यूटी प्लानर बनाया. और प्लानर्स हैं, मुझे प्लानर्स प्लान करके चलने का अपना डे मतलब शौक है, ऐसे कुछ कर लिया लगता है कि मतलब चल रही थी, शौक था कि कुछ सीखना है कुछ करना है. तो आप लोग कर लेंगे ऑनेस्टली, जो चीज़ आपके पास आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है तो उसको अवेल करें. अवेल करने के बाद अगर इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होता तो लीव इट, अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कीप्स यू मोटिवेटेड, बट दैट मेजरली कम्स वंस यू हैव प्रूवन देम व्हाटएवर यू आर डूइंग इज वर्थ एन एक्नॉलेजमेंट. सो इन शॉर्ट, इफ नोबडी सपोर्ट्स यू एंड योर आइडिया इन द बिगिनिंग, डू नॉट लूज होप, रादर वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड दे'ल बी स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू आफ्टर सम टाइम. करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही बात है कि आपके पास सपोर्ट हो तो आई थिंक आप इजीली कर सकते हैं. अक्सर मतलब लगता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि शायद मैं नहीं पढ़ी हूँ तो मैं इन सब चीज़ों में लगी हूँ, लेकिन नहीं. हफ्सा का यह सफ़र शुरू हुआ कॉम्सच यूनिवर्सिटी से. उससे पहले आई थिंक आई वॉज जस्ट इन मीडियोकर काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. मैं बस पढ़ाई भी मुश्किल से ही हो रही थी. फर्स्ट टाइम जो मैंने डोनेशन रेस की थी वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स सब ने मिल के मेरी हेल्प की. 6,000 हुए थे और मैं उस पर भी इतनी खुश थी, 6,000 रुपीज़ हो गया. और तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिसेंटली रमज़ान ड्राइव हमने जो की उसमें सिर्फ राशन का जो हमारी कलेक्शन थी ना वो 10 लाख थी. ऑल टुगेदर अगर महीने का किया जाए, जो पूरे मंथ का हमने रमज़ान में किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो 2 मिलियन प्लस हो गया था. आई थिंक हमें चाहिए कि हम लोग सक्सेस की तरफ जब जा रहे हैं तो अपने दीन को साइड पे ना रखें. आप दीन को साथ लेके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. जस्ट लाइक एनी अदर यंगस्टर हु व्हाइल फिगरिंग आउट देयर वे टुवर्ड्स सक्सेस मे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पीयर प्रेशर, इवन आई हैव टू फेस सच सर्कमस्टेंसेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द मोस्ट एनकरेजिंग पीपल अराउंड हु हेल्प मी टू स्टे calm, अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड कीप वर्किंग हार्ड, एज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. So look for such people around you as well. जहाँ तक बात है तो काम के साथ भी किया जा सकता है, वो भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो इस चीज़ पे इसलिए क्योंकि हर मेरे ख्याल से हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हम जो लोग रोज बैठे हुए या कोई डिजर्विंग है तो हम उनकी हेल्प कर सकें. तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है उसके बाद वो इस तरफ आते हैं. आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? कह सकते हैं. सुकून देखना चाहते हैं तो आप 10 रुपए लें और जाके किसी भी गरीब आदमी को दे दें. गरीब सफेद पोश होना चाहिए, सफेद पोश इंसान को, रागी नहीं. वो भी हो सकता है डिजर्विंग हो, लेकिन वी डोंट नो द बैकग्राउंड. तो आपको चाहिए किसी भी व्हाइट कॉलर बंदे का जिसका आपको पता हो कि ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स, तो उसको जाके 10 रुपए दे दें, 50 रुपए दे, 100 रुपए दे दें, अपने हाथ से दें. देने के बाद उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, वो बहुत मतलब ना आपको इतना सुकून देगी, लाइक यू फील के यू आर सेटिस्फाइड. आपको लगता है कि यार दिस इज आई एम हियर. नेगेटिव क्वेश्चन करा लगा, आपने भी आईफोन रखे हैं? 13 प्रो 12 प्रो कोई नहीं, क्योंकि ज्यादातर एनजीओ वालों ने ना जो है वो 13 प्रो मैक्स रखे होते हैं. अच्छा, मेरा जो आईफोन है ना वो मेरी इससे पहले का है, वॉच से पहले का है. 3 साल पहले का ही है ये. मेरा जब 5S आया था तब के मेरी फैमिली के पास आईफोन थी अल्हम्दुलिल्लाह. वाक एंड में रहते हुए ये काम करना आसान था, मुश्किल था? बहुत मुश्किल. लोग अटैच होना चाहते हैं, वो बिला जिसे के अटैच हो सकते हैं हमारे साथ. आप वॉलंटियर के तौर पे भी आ सकते हैं, आप एज अ डोनर भी हमारे साथ अटैच हो सकते हैं.
जिस भी चीज़ की वेरिफिकेशन चाहिए हुई आई एम ऑलवेज देयर. मैं हर किसी से बात करती हूँ, कोई भी मुझे मैसेज कर रहा है मेरे नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके आप पूछ सकते हैं केस की डिटेल्स एवरीथिंग. हमारे पास CNIC ऑल द वेरिफिकेशन होने के बाद हम केस अपलोड करते हैं, तो किसी भी किस्म की झिझक नहीं होनी चाहिए आपको डोनेट करते हुए. अगर है फिर भी तो यू कैन क्लैरिफाई. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हफ्सा नईम. लास्टली व्हाइल बीइंग कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट मेक श्योर टू बी ग्राउंडेड एज वी ऑल हैव बीन गिफ्टेड बाय द ऑलमाइटी इन वन वे और अनदर एंड नथिंग बिलोंग्स टू अस.